कमेंट करके बताओ भाई, बीएम और मर्सिडीज आप लोगों को कौन सी पसंद है दोनों में से, जरूर भाई कमेंट कर देना। बाकी यार तो भाई अभी रनिंग करते हैं 40 की स्पीड पे, कर देता हूँ। ये देखो, ये डी, ये स्पोर्ट्स, डी एस स्पोर्ट्स। बैक टू द चैनल गाइस, और ये देख लो यहाँ पे अपनी BMW 3 सीरीज जो कि भाई E90 वर्जन है 320D, और साथ में भाई यहाँ पे मर्सिडीज E220 यानी कि E220 जो कि भाई रियर व्हील ड्राइव के साथ है। अपनी देख लो भाई BMW, इसका बैक प्रोफाइल कुछ ऐसा है, और ये भी भाई रियर व्हील ड्राइव है, और साथ में भाई ये भी, तो दोनों करने वाले हैं ड्रैग रेसेस। रोड देख लो भाई पूरी की पूरी खाली है। बैक प्रोफाइल इसका चेक करा दे भाई, ये देख लो इसका बैक प्रोफाइल कुछ ऐसा है। तो भाई ये देख लो, ये मर्सिडीज का कुछ इंजन है इस तरीके का भाई, देख लो ये कैथलेट कन्वर्टर हो गया, इसके नीचे इंजन है, वहाँ पे एयर फिल्टर हो गया, पीछे इसका टर्बो होगा, ऐसा कुछ इंजन है। कितना बड़ा लग रहा है देख लो भाई। अब आप लोगों को दिखाते हैं भाई कुछ BMW का इंजन कैसा है भाई। ये इंटीरियर देख लो, BMW का कुछ ऐसा इंटीरियर है भाई, इसका रॉ है पूरा का पूरा इंटीरियर, और साथ में इसका इंजन कुछ ऐसा है भाई। साइज में इसका इंजन मुझे छोटा लग रहा है मर्सिडीज से, देख लो इसका इंजन थोड़ा छोटा है। पावर की बात करें तो भाई ये आती है 180 BHP की, और वो लगभग 195-200 है। टॉर्क की बात करें तो भाई ये 350 Nm टॉर्क है, उसका 400 Nm टॉर्क है, तो भाई पावर वाइज वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बट फिर भी हम लोग करने वाले एक बारी ड्रैग रेसेस। भाई यहाँ पे अपनी गाड़ी किस में रखेंगे? हम तो रखेंगे स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में एक काम करो, आप स्पोर्ट्स प्लस में रखो, इसके बाद नेक्स्ट वाले पे हम लोग मैनुअल में करेंगे, ठीक है? तो भाई ये स्पोर्ट्स प्लस पे करने वाले, और मैं इधर ड्राइव मोड पे करने वाला हूँ, और देखते हैं भाई क्या फ़र्क आता है दोनों पे। और चलो यार आ जाते हैं, चलो ये अपनी BMW पे आ चुके हैं भाई। वन टू थ्री स्टार्ट। भाई देखो ये कुछ फर्क आ रहा है, और यहाँ पे BMW 140। तो भाई यहाँ पे मर्सिडीज BMW को पीछे हो गई है मर्सिडीज भाई पहली रेस पे, जबकि भाई यहाँ पे मैं अभी ड्रीम मोड पे था, नॉर्मल में था, ठीक है? एक और ट्राई करेंगे। वन टू थ्री स्टार्ट। बाय बाय बाय। भाई निकल रही BM निकल रही है। दिस इज अनएक्सपेक्टेड, बट हाँ भाई ने थोड़ा धीरे कर लिया, बट बहुत अच्छा लॉन्च था, बहुत अच्छा लॉन्च था। थोड़ा सा आगे रख रहा भाई। ये क्या भाई, BMW आगे निकल गई। तो भाई ये उम्मीद नहीं थी BMW से कि भाई ये मतलब इतना ज्यादा फर्क दिखाएगी। जब डी पे था भाई, स्पोर्ट्स पे नहीं डाला था, ट्रैक्शन वगैरह भी अभी सब कुछ इसका ऑन था, ट्रैक्शन वगैरह सब इसको अभी ऑफ करेंगे, और फिर देखेंगे भाई क्या होता, आगे भाई को बोलेंगे रुकने, रुक के भाई एक बार फिर से करेंगे रेसिंग। तो भाई अभी यहाँ पे इसको डालने वाले किस पे, मैनुअल? मैनुअल पे, ठीक है। मैनुअल और स्पोर्ट्स मतलब सबसे पावर जिसमें हो, तो भाई हम भी अब मैनुअल में करने वाले हैं। फर्स्ट राउंड पे BMW आगे थी, ठीक है, और भाई वहाँ से GoPro पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और यार ये उम्मीद नहीं थी कि यार ये इतना मतलब टक्कर देगी, और अभी इसको करेंगे भाई मैनुअल पे। यार लोगे क्या पावर आती है। ये इसको मैं ऐसे ऑन कर देता हूँ। ये देखो, ये डी, ये स्पोर्ट्स, डी एस स्पोर्ट्स आ चुका है। इसको नीचे करेंगे और इसको कुछ करेंगे ऐसा, ठीक है, और भाई को बुला लेते हैं। एसी मैंने ऑन कर दिया, एसी ऑन में ही करेंगे, ठीक है। तो भाई अभी मैं कैमरा को बंद करूंगा कि मैं सिंगल हूँ, मैं यहाँ से ड्राइव करने वाला हूँ, और भाई वहाँ से मर्सिडीज में करेंगे, ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हो रहा है भाई सेकंड राउंड। तो भाई यहाँ पे लॉन्च तो काफी बढ़िया हुआ,
और ये हमारी मर्सिडीज निकल चुकी है, बट हाँ बीएमबी काफी अच्छा टक्कर दे रही है। रुक जा। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्च में मेरा दिक्कत हो गया था भाई, क्योंकि मैं सिंगल चला रहा हूँ, डी पे लॉन्च नहीं हो पा रहा है। एक बार अभी रोक के फिर से इसको करते हैं भाई। लॉन्च नहीं हुआ था मेरा, हाथ में फोन था ना, नहीं हुआ दोनों चीज। चलिए एक और स्ट्रेच ले लेंगे। भाई देख लो मर्सिडीज पीछे चले गई है। ओह माय गॉड लवली भाई, साहब डर लग रहा भाई सिंगल हाथ से चलाने में बहुत ज्यादा। बाकी ठीक है यार, BMW की भी पावर अच्छी है मर्सिडीज की। अभी उस रोड से आप लोग को एक बार फिर से व्यू दिखाते हैं। तीन हॉर्न मारिए, तीन हॉर्न। तो भाई अभी रनिंग करते हैं 40 की स्पीड पे। तीन हॉर्न मारिएगा, तीन हॉर्न। भाई ये बहुत ज्यादा बीट कर रही है भाई मर्सिडीज को। पावर भाई, और BMW हैवी ड्राइविंग के लिए। तो भाई फाइनली यहाँ पे ड्रैग रेसेस हो गई है भाई, 0-100 बोल के हमने भाई 140 कितना किया था आपका गाड़ी, 160 भाई, 160-170 तक चले गई थी हमारी गाड़ी, पता भी नहीं लगा भाई। बाकी बहुत ही नेक्स्ट लेवल का मैच था। थोड़ी सी भाई इसकी पावर ज़्यादा है एक्चुअली, उस पर इलेक्ट्रॉनिक शायद ज़्यादा ऐड कर दी है कंपनी ने, इस करके यार थोड़ी पावर रिस्ट्रिक्ट हो रही है। बाकी यार कमेंट करके बताओ भाई BMW और मर्सिडीज आप लोगों को कौन सी पसंद है दोनों में से, जरूर भाई कमेंट कर देना। बाकी यार बहुत ही मजा आया, और भी ऐसी ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो भाई कमेंट जरूर कर देना, ताकि एक से एक और मजेदार वीडियो आ जाए। बाकी यार जबरदस्त लग रही है दोनों गाड़ियां, नेक्स्ट लेवल की लग रही है। आप लोग ने पूरी वीडियो देखी होगी, मैं कुछ चीजें आप लोग से बताना चाहता हूँ। देखो यार BMW जो है ये वाली, ये तो पुरानी है, E90 वर्जन है, काफी पुराना वर्जन है, 8 बोलेगा नहीं बिल्ड क्वालिटी से। दूसरी बात, मर्सिडीज थी भाई 2 साल पुरानी नई टेक्नोलॉजी की कार, उस पे भाई 200 BHP है, मतलब कि 198 BHP, और इस पे है 178 BHP, इस पे है 350 टॉर्क, उस पे है 400 टॉर्क, 38,000 किलोमीटर, वो चली थी 20,000 किलोमीटर। फिर उस हिसाब से देख लो यार, आप लोग आप बताओ कमेंट करके आप लोगों को BMW अच्छी लगी है, मर्सिडीज अच्छी लगी। बाकी कमेंट करना भाई, और भी ऐसी ऐसी टक्कर वाली मैच आने लगेंगे, फॉर्च्यूनर साथ भी इसको रेस कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।